हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेन की थी एक वीडियो में जिसमें मैंने माइटोसिस एक्सप्लेन किया था। आज इनको टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। ये वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी, जो भी क्लास 12th में है, जो ग्रेजुएशन में है, जूलॉजी जिसका कोर्स है, ऑनर्स से जो कर रहा है, लाइफ साइंस से जो कर रहा है, उसके लिए ये बेनिफिशियल है और पीजीटी टीजीटी के लिए हेल्पफुल तो होगा ही। तो ये सारे बच्चे आप इस वीडियो को बेफिक्र होकर देख सकते हैं और आपको इसमें डीएनए में और क्रोमोसोम में आगे से कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है मेटाफेज में। मेटाफेज क्या है? मेटाफेज एक स्टेज है किसकी, सेल साइकिल की, जो माइटोसिस होता है उसके अंदर एक मेटाफेज स्टेज आती है। फाइन, आपको अगर ये नहीं पता है कि मेटाफेज क्या होता है तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, माइटोसिस से रिलेटेड मैंने अपलोड कर रखी है, तो पहले वो देख लीजिए आप। अब जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम का अगर हम थोड़ा सा सेगमेंट जो है वो इसको खोल के देखें तो कैसा अपियर होता है? ये इस तरीके का अपियर होता है कि इसको ये वाला है ऐसा थ्रेड लाइक डीएनए से फॉर्म होता है, और जो ये डीएनए थ्रेड लाइक डीएनए होता है और ये जो डीएनए होता है वो रैप अराउंड अ प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। क्या नाम है इस प्रोटीन का? इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। अगर ये हिस्टोन प्रोटीन ना हो ना तो जो डीएनए है वो फिट ही नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम पूरा डीएनए को खोल दे, जो कि एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो 6 फीट लंबा हो सकता है, तो जो ये हिस्टोन प्रोटीन है इनका रोल है उसकी बाइंडिंग करने में, कि डीएनए एक तरीके से फिट हो सके क्रोमोसोम के उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो उसका ये रोल है। अब ये ऐसे लिपटा हुआ है क्रोमोसोम किसके ऊपर, डीएनए किसके ऊपर लिपटा हुआ है, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन मैंने बनाए हैं। सो दीज आर, ये क्या है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। समझ आ रही है बात कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन जो है एक तरीके की पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जिसके अराउंड कॉइल करता है, डबल कॉइलिंग होती है, और जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। समझ आई यहां तक बात? अब अगर हम इसको जूम आउट करके देखें, इसी स्ट्रक्चर को, जो ये मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है इसको ही जूम आउट करके देखें अगर, तो ये कुछ इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर इसका अपीयर होता है। थोड़ा मैंने इसको जूम किया है बस। अब अगर इसको भी मैं जूम करके देखूं तो ये कुछ ऐसे तरीके का दिखता है। ये सारी चीज कहां पर फिट है? ये सारी चीज न्यूक्लियस के अंदर फिट है। तो अब देखते हैं, पहले जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। अब वो थोड़ा सा जो है कॉइल होगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगी, कॉइलिंग होगी, तो ये एक तरीके के प्रोटीन के चारों तरफ रैप करेगा। इन प्रोटीन का नाम क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। और जब क्रोमोसोम फॉर्म होता है तो ये क्रोमोसोम क्या होगा? क्रोमोसोम होगा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। समझ आ रही है बात कि जो हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए है उसको ही क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपीयर कौन सी स्टेज में होते हैं? ये मेटाफेज में ही अपीयर होते हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इनके अंदर कंडेंसेशन आ जाता है तभी ये दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं, लूज थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में। तो ये हो गया डीएनए। डीएनए का जो सुपर कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, तब ये फॉर्म करता है क्रोमोसोम। और अब जीन क्या होता है? अगर मैं ये सेगमेंट ले लूं डीएनए का, ये सेगमेंट मैं देख रही हूं, तो इस सेगमेंट को जीन कहते हैं। और ये जो जीन होता है ये क्या करता है? ये एक तरीके का प्रोटीन फॉर्म करता है। प्रोटीन क्या होता है? ये हमारे जो ट्रेट होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इस प्रोटीन की वजह से अपीयर होते हैं। तो क्या है, सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ आपको। डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, पूरे डीएनए में बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, तो एक एक सेगमेंट को ही जीन कहते हैं। जैसे ये सेगमेंट मैंने ले लिया तो ये जीन हो गया। अब सपोज यहाँ पे भी एक जीन है,
ऐसे बहुत सारी जीन होती हो सकती हैं, एक ही जीन नहीं होती है डीएनए के ऊपर। तो ये एक सेगमेंट होता है डीएनए का, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन क्या करता है, जीन एक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये जो प्रोटीन होता है, जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारी आई का कलर ब्लैक क्यों है, हमारे बालों का कलर ब्लैक क्यों है, तो ये जो सारे ट्रेट्स आते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी आदतें, हमारा नेचर, ये सारी चीज कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। तो जीन कंट्रोल करेगा तो मतलब क्या है, डीएनए कंट्रोल कर रहा है उस चीज को। समझ आ रही है बात? तो जितने भी हमारे, हम जो इंसान हम बने हैं, वो किसकी वजह से बने हैं, वो डीएनए की वजह से बने हैं। समझ आई? ये मुझे इंपॉर्टेंट था बताना कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है जिसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल करता है। अगर ये हिस्टोन ना होता तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर आ ही नहीं पाता, क्योंकि ये अगर हम इसको खोल देंगे तो ये 6 फीट लंबा हो सकता है एक सेल का, ओनली वन सेल। इसके अंदर का जो डीएनए वो 6 फीट लंबा हो सकता है, तो उसको फिट करने के लिए विद इन द न्यूक्लियस इन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ी। अब इंटरेस्टिंग चीज आती है कि हम अपने पेरेंट से सिमिलर क्यों होते हैं। हमारे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारी मदर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर से मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये होता है डीएनए की वजह से। क्या होता है कि सपोज करो, जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये जो जाइगोट फॉर्म होगा, सपोज दिस इज जाइगोट, इस न्यूक्लियस के अंदर जो जाइगोट का न्यूक्लियस होता है, ये क्या मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है जाइगोट, ये फॉर्म हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो जाइगोट है, इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। 23 क्रोमोसोम आते हैं फादर से और 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर से। सो 23 और 23 कौन से होंगे, 23 होंगे मदर के। तो जब डीएनए जो आया है फादर से और मदर से, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही तो उनके बच्चों में आएंगे। तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो रिसेसिव होते हैं। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये एक डीएनए है, ये आया है मदर से, और ये डीएनए है जो आया है फादर से। ठीक है, ऐसे ही 23 23 प्रेजेंट रहते हैं विद इन द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। यही जाइगोट है जो बार 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 डिवाइड होकर एक एडल्ट बनाएगा, एक ह्यूमन बीइंग बनाएगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर डीएनए पेरेंट्स का है, तो जो ह्यूमन बीइंग बनेगा उसके अंदर जो जीन्स होंगी वो भी पेरेंट्स की तरीके की होंगी, और जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी पेरेंट्स की तरीके के होंगे। ठीक है, अगर सपोज करो ये वाला सेगमेंट हमने ले लिया, ये एक जीन है, ये एक सेगमेंट ले लिया, ये एक जीन है, ये वाला जो जीन है वो आई का कलर जो है ब्लैक करवाता है। सो मतलब अगर ये जीन है प्रेजेंट तो ब्लैक कलर होगा आई का, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाली जीन क्या करेगी, ये कराएगी ब्लू, ब्लू कलर ला देगी ये आई के अंदर। अब अगर दोनों ही जीन प्रेजेंट है, दोनों ही जीन प्रेजेंट है, ये एक जीन कहाँ से आ रही है, ये मदर से आ रही है, ये आ रही है फादर से। समझ आ रही है मेरी बात? अगर ये जीन ब्लैक कलर कॉज कर रही है, ये जीन ब्लू कलर कॉज कर रही है, कैसे कर रही है, ये कुछ तरीके का प्रोटीन फॉर्म करती है तभी वो कलर आ पाता है। प्रोटीन फॉर्म करती है, प्रोटीन का मतलब हो सकता है एक तरीके के पिगमेंट्स बनाती है। तो ये जो ब्लैक वाला कलर होगा वो डोमिनेंट होगा, और ये वाला जो कलर होगा ब्लू वो रिसेसिव होगा। तो अगर ब्लैक डोमिनेंट होता है तो जो चाइल्ड होगा उसमें जो कलर आएगा आई का, वो क्या होगा, ब्लैक होगा, ना कि ब्लू। तो इस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चाइल्ड के अंदर, वो किसी ना किसी तरीके से या तो मदर से मिले रहते हैं या फिर वो फादर से मिले रहते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि हम जो हैं हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, बिल्कुल सिमिलर क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमें 23 क्रोमोजोम कहाँ से मिले हैं, मदर से, और 23 क्रोमोजोम हमें फादर से मिले होते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मदर से आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर से आ रहे हैं, तो इस वजह से हम बिल्कुल सिमिलर एक की तरह नहीं हो सकते। समझ आई ये बात? ये होता है पूरा का पूरा, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वो है डीएनए इन डिटेल। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्रोमोसोम के अंदर इतना ज्यादा वास्ट स्ट्रक्चर फिट रहता है, और वो सारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर।
अब देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिटेल में कि कैसा दिखता है क्रोमोसोम। हमने ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर इसका देख लिया, अब इसकी डिटेल में जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम क्या है, बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग हो रही है डीएनए की ही। यहां पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक, ये यहां पर भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और एक सेगमेंट यहां पर ऐसे बना रहता है। ये क्या मैं बना रही हूं, ये सारा डीएनए ही है। अब ये जो पार्ट होता है इसका, ये होता है सेंट्रोमेयर। क्या होता है ये, सेंट्रोमेयर। ये मैं किसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ये मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो एक तरीके का न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वो जो आरएनए उसका होता है वो यहां से फॉर्म होता है। अब ये जो टिप होती है ना क्रोमोसोम की, इसको क्या कहते हैं, इधर वाली टिप भी और इधर वाली टिप भी, इसको कहते हैं टीलोमेयर। क्या कहते हैं इसको, टीलोमेयर कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था वीडियो में एक, ये जो टिप होती है उसको क्या कहते हैं, टीलोमेयर कहते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये है क्रोमेटिड। क्या है, क्रोमेटिड। अब एस फेज के बाद, ड्यू आफ्टर एस फेज क्या होगा, रेप्लिकेशन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा दिखने लग जाता है, ये ऐसा दिखने लग जाता है। ये कुछ ऐसे दिखने लग जाता है कि ये एक सेगमेंट हो गया क्रोमोसोम का, जिसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये एक सेगमेंट हो गया, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो ये कब होता है, ये होता है रेप्लिकेशन के बाद। सो आफ्टर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए का फॉर्मेशन होना है। तो ये वाला भी पूरा का पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का दिखाई देता है। ये हो गया। और इनकी जो ये दोनों आर्म है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक। अब आती है बात कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें 40% तो होता है डीएनए, डीएनए, और 60% होता है प्रोटीन। क्या होता है, 60% होता है प्रोटीन। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी कि कैसे एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरा से अपना आर्म बना लेता है। इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और ये होता है आफ्टर एस फेज। समझ आई, एस फेज के बाद ये वाला प्रोसेस होता है। एस फेज क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। ये हुआ क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया क्रोमोसोम के बारे में। अब आती है बात कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्कवर किया गया था। अब मेन चीज तो क्या है, डीएनए ही है मेन चीज। क्यों, क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही पास हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से उनके बच्चों में कौन जा रहा है, डीएनए जा रहा है। उसकी वजह से ही जो कैरेक्टर्स है वो सिमिलर जा पा रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ठीक। तो अब जो डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए होता है डी ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये देखो, ये जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है, ये है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हर लाइन में आपको एक नया टर्म मिलेगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। न्यूक्लियोटाइड अब क्या होता है,
और पॉलीमर क्या होता है? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया पॉलीमर का मतलब कि बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड होंगे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और ये एक तरीके का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अब न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है तीन चीजें होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट और एक होता है नाइट्रोजीनस बेस। इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अभी हम कि शुगर कौन सा होता है, फॉस्फेट क्या होता है, नाइट्रोजीनस बेस क्या होता है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई और कौन वो साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये डिस्कवरी की। ठीक है, सबसे पहले जो मिशर नाम के एक साइंटिस्ट रहे हैं, मिशर नाम के साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया पस को स्टडी किया। उसमें थी व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की न्यूक्लियस को इन्होंने स्टडी किया और जो उसके अंदर कंटेंट था ना न्यूक्लियस के अंदर, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लीन। क्या नाम दिया? न्यूक्लीन। उसी को हम आज क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, एसिड। समझ आई कि जो मिशर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक पस को स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी थी, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर एक तरीके का कंटेंट था जिसमें क्या था? फॉस्फेट था, फॉस्फेट, और वो एसिडिक था, एसिडिक इन नेचर। ये चीज इन्होंने बताई। अब उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? उसका नाम इन्होंने दे दिया न्यूक्लीन। और आज हम इस न्यूक्लीन को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डिस्कवरी डीएनए की इन्होंने स्टार्ट की, डीएनए की नहीं कि एक तरीके का कुछ सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, बाद में जो है धीरे धीरे डिस्कवरी होगी डीएनए की। तो ये थे मिशर। मिशर के बाद जो है एक साइंटिस्ट आते हैं, लेवीन, LEVENE, लेवीन नाम के साइंटिस्ट आते हैं। ये साइंटिस्ट क्या करते हैं? इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए है इसका, ये है एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे लेवीन। तो स्टार्ट किसने किया? मिशर ने किया। लेवीन आए, इन्होंने बता दिया कि एक तरीके का पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। फिर आते हैं चरगफ। चरगफ ने क्या कहा? चरगफ के कुछ रूल्स हैं। इन्होंने मेन चीज जो कही, जो यूज की किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने, अपने थ्री डायमेंशनल डीएनए स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इन्होंने क्या कहा कि जो अमाउंट ऑफ एडिनिन है, अमाउंट ऑफ एडिनिन, जैसे ये एडिनिन है, इसका अमाउंट, एडिनिन क्या है अभी बताती हूं मैं आपको, कि जो अमाउंट ऑफ एडिनिन है वो बराबर किसके है? अमाउंट ऑफ थाइमिन के, अमाउंट ऑफ थाइमिन के। और जो अमाउंट ऑफ साइटोसिन है, अमाउंट ऑफ साइटोसिन, वो किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ एक और नाइट्रोजिनस बेस है ग्वानिन, उसके बराबर है। ठीक, तो ये बात कही किसने? चरगफ ने। और इनको कह देते हैं चरगफ्स रूल। ये यूज किया वॉटसन एंड क्रिक ने। अब जो है मेन कहानी पर आते हैं। तो यहां तक आपको समझ आया, मिशर आए, मिशर के बाद लेवीन आए और लेवीन के बाद चरगफ आए। ठीक, उसके बीच बीच में बहुत सारी डिस्कवरी हो रही थी उस टाइम पे भी, लेकिन क्या है, इन्होंने जो डिस्कवरी की वो बहुत ज्यादा यूज की गई लेटर ऑन और ये सबसे ज्यादा वैलिड डिस्कवरीज थी। ठीक है, अब आते हैं
कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर खोजने में कौन कौन से साइंटिस्ट का रोल है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए ये जानने के लिए कि जो डीएनए है क्या वही जेनेटिक मटेरियल है। वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो देखते हैं। सबसे पहले तो तीन एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, फॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर है। फिर आता है सेकंड मैकलियोड एवरी। आपको ये जो नाम है थोड़े ट्रिकी लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, पीजीटी टीजीटी में। तो मैक्लियोड एवरी और ये दो साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं, मैकार्टी, वन मोर वाज देयर, मैकार्टी। ठीक, मैक्लियोड एवरी और मैकार्टी जो है ये तीनों साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है ये क्या है, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है ये इन्होंने पता लगाया ये है डीएनए। ठीक, थर्ड थर्ड साइंटिस्ट रहे हैं हर्षी हर्षी एंड चेज। इन्होंने क्या कहा कि जो सब्सटेंस जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, डीएनए ही वो सब्सटेंस है, वो हेरिडिटी मटेरियल इसलिए ही है क्योंकि जैसे ऑफस्प्रिंग होता है उसमें क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है, तो ये एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने ये बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है ऑफस्प्रिंग में, प्रोजेनी में, वो क्या है, प्रोजेनी के अंदर, प्रोजेनी मतलब होते हैं ऑफस्प्रिंग, चाइल्ड, तो इनके अंदर क्या जा रहा है, डीएनए ही जा रहा है। तो इन्होंने तीनों ने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, फिर उसके बाद मैक्लियोड एवरी और मैकार्टी का ये था कि जो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है कि ये ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहा है, क्या कंटेंट है उसका, ये बताया इन्होंने, ये है डीएनए। फिर उसके बाद बताया कि हर्षी और चेज ने कि जो प्रोजेनी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, वो जा रहा है डीएनए। आप ये चीज याद रखिए। वैसे मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन वो चीज बहुत ही लेंदी हो जाएगी और आपका जो पेपर आएगा वो सिर्फ एमसीक्यू टाइप आएगा। तो जो इनके जो अगर आपको लगे कि हमें ये डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, क्या उन्होंने परफॉर्म किया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज मैं जो स्ट्रक्चर है, मेन जो स्ट्रक्चर डीएनए का जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है वो स्टार्ट करती हूँ। तो एक और सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी इसके ऊपर कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे। मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि इन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक, तो यहां पर टी टू बैक्टीरियो फेज को लिया गया था। ठीक, और यहां पर जो लिया गया था वो था एक बैक्टीरिया, क्या नाम था इस बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक, ये भी याद आप रख लेना कि यहां पर जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसमें क्या स्ट्रेन लिए गए थे, दो स्ट्रेन लिए गए थे, एक था सेकंड आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, एक था 3S स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये जो स्ट्रेन था ये था वेरुलेंट, जो कि डेथ कॉज करता है, वेरुलेंट, और ये था नॉन वेरुलेंट जो डेथ कॉज नहीं करता। ठीक, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का एक बैक्टीरिया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था स्टडी करने के लिए माइस को कि क्या वो सर्वाइव करेंगे या वो डेड हो जाएंगे। तो ये था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके बाद था कि जो हर्षी और चेस था इन्होंने क्या लिया था, टी टू बैक्टीरियोफेज, जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, एक तरीके का ये क्या है, वायरस है। तो आपको मेन चीजें, ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, वो याद करके रखने हैं कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है एक्सपेरिमेंट, तो मैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं हम। डीएनए की समझ आ रहा है कि कितने साइंटिस्ट आ चुके हैं अभी तक डीएनए की डिस्कवरी करने में।
बहुत सारे साइंटिस्ट आ चुके हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं? सबसे पहले आ गया मिशर, मिशर के बाद लेवीन आया। लेवीन ने कहा कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। उसके बाद कौन आया? चरगफ है। उसके कुछ रूल्स है कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के बराबर होता है, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है। और ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए ये जानने के लिए क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और डीएनए ही जो है ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में। ये सारे एक्सपेरिमेंट उसके लिए परफॉर्म किए गए। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे कहाँ पे थी मैं? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, ये मैंने आपको क्या बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें आता है शुगर, फिर आता है फॉस्फेट, फिर आता है क्या? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, शुगर। अब ये जो शुगर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डी ऑक्सीराइबोस। मैंने कहीं मेंशन किया है, हाँ ये रहा, ये जो शुगर है यहाँ पर क्या नाम है इसका? ये है डी ऑक्सीराइबोस। ये जो डी ऑक्सी नाम आया है इसमें क्यों आया है डी ऑक्सी नाम? क्योंकि ये जो सेकेंड नंबर का कार्बन है यहाँ पर OH, ओ ग्रुप यहाँ से हट चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया? डी ऑक्सी आ गया। अदरवाइज ये बिल्कुल राइबोस की तरह है। अगर यहाँ पर ओ आ जाता, अगर यहाँ पर एक ओ आ जाता तो यहाँ पर ये क्या बन जाता? ये बन जाता राइबोस शुगर, जो कि पार्ट है किसका? आरएनए का। तो ये क्या बना देता है? इसको कम स्टेबल बना देता फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो इस वजह से ये हो गया डी ऑक्सी राइबोस। तो एक एक चीज हो गई कि इसमें जो शुगर होता है वो क्या होता है? ये होता है डी ऑक्सी राइबोस। ये 5 कार्बन शुगर है, समझ आ रही है बात? ये जो डीऑक्सीराइबोज है उसके बाद आता है फॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट का ग्रुप इसमें जुड़ा रहता है। ठीक, ये जो फॉस्फेट होता है इसके अंदर, इसमें नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से जो डीएनए है हम क्या कहते हैं उसको? एसिडिक कहते हैं। और ये जो है नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, और हिस्टोन होता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जैसे कि अस्पार्टेट, उसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो हिस्टोन, हिस्टोन और डीएनए इसी वजह से क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बिकॉज जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आगे समझ में बात की है, फॉस्फेट हो गया। सो फॉस्फेट समझ आया, शुगर समझ में आया। कौन सी शुगर होती है? शुगर होती है डी ऑक्सीराइबोस। और जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, अब मेन चीज पे आते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं। जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स है ना वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो ग्रेजुएशन में है अभी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में आ सकता है ये कि डीएनए के जितने भी एक्सपेरिमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें आती हैं। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और पीजीटी और टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजिनस बेस कौन से होते हैं? 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए प्यूरीन होते हैं, एक होता है पिरामिडीन। नाइट्रोजिनस बेस के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक को कहते हैं प्यूरीन, एक को कहते हैं पिरामिडीन। ये डबल रिंग होता है, एक रिंग तो ये हो गई और एक रिंग हो गई ये स्मॉल, और ये 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब जो प्यूरीन होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। ये मैं बात कर रही हूं कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो उसके स्ट्रक्चर में ये एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 तरीके के नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट रहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजिनस बेस है वो प्यूरीन है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे। एडिनिन जो है वो प्यूरीन है, और ग्वानिन जो है वो प्यूरीन है, 2 ही प्यूरीन है, और पिरामिडीन है साइटोसिन एंड थाइमिन। समझ आई बात कि 4 नाइट्रोजिनस बेस है, एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन एंड थाइमिन है। हो गया, क्लियर हो गया होगा ये। अब आती है बात कि ये जुड़े कैसे रहते हैं। एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। एक और टर्म याद रखिए, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब कभी भी शुगर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और फॉस्फेट एबसेंट रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक,
अब ये कैसे जुड़े रहते हैं आपस में, ये देखते हैं। सपोज ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मैंने ये बताया आपको कि कैसे ये जुड़े रहते हैं। अब डी ऑक्सी एडिनोसिन 5- मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे एक चीज और नोट करना, जो इसके कार्बन एटम है, जो इसकी नंबरिंग है, वो कैसे कर रहे हैं हम, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 की नंबरिंग हो रही है, लेकिन जो शुगर है उसके अंदर जो नंबरिंग हो रही है 1-2-3- की तरीके की हो रही है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जहां पर भी डैश आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम बात कौन से की कर रहे हैं, हम शुगर की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जैसे डी ऑक्सी एडिनोसिन 5- मोनोफॉस्फेट, एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है जुड़ा हुआ, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, डी ऑक्सी राइबो शुगर जुड़ा हुआ है, डी ऑक्सी हो गया, एडिनोसिन क्या है, एडिनिन जुड़ा हुआ है, और 5- पर ये जुड़ा हुआ है फॉस्फेट से। ठीक है, अब क्लियर होगा आपको, रुकिए। जैसे ये वाला क्या है, शुगर है, ये क्या मैंने बनाई है, शुगर बनाई है, तो इसके अंदर जो कार्बन एटम है इसकी नंबरिंग अगर हम करेंगे तो ये 1-2-3-4-5-, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है 5- से इसके डीऑक्सीराइबोस के, राइबोस के, तो ये 5- जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, 5-5 फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है राइबो डीऑक्सीराइबो शुगर के। तो एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी, राइबो शुगर हो गई। अब इसके साथ क्या जुड़ा होगा, इसके साथ जुड़ा होगा कोई भी ग्रुप, साइटो, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, साइटोसिन जुड़ा हुआ है। और जो एक और चीज यहाँ पर रखिए याद, साइटोसिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन के साथ। और जो एडिनोसिन है, जो सॉरी एडिनिन है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगी वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन की होगी। कैसे बनती है, अब ये फर्स्ट नंबर के कार्बन से जुड़ जाएगा क्या, नाइट्रोजिनस बेस, और ये वाला जो नाइट्रोजिनस बेस होगा वो क्या होगा, ये होगा साइटोसिन, और ये साइटोसिन क्या होगा, सॉरी साइटोसिन क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक जो प्यूरीन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है, प्यूरीन प्यूरीन बॉन्ड नहीं बनाते, समझ आ रही है बात, कि जो प्यूरीन है वो पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है और प्यूरीन प्यूरीन या पिरिमिडीन पिरिमिडीन बॉन्ड नहीं बनाते। तो ये मैं आपको एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि कैसे ये तीनों आपस में जुड़े रहते हैं न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने के लिए। तो फॉस्फेट ग्रुप इससे राइबो शुगर से जुड़ा है, और ये जो राइबो शुगर है ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से, ये है साइटोसिन, ये जो साइटोसिन है ये ग्वानिन से जुड़ा है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये ग्वानिन किससे जुड़ा होगा, यहाँ पर भी जो है डीऑक्सीराइबो शुगर होगी और डीऑक्सीराइबो शुगर से फॉस्फेट जुड़ा होगा। ये एक तरीके का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है किसका, डीएनए का, एक न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से अरेंज रहती है। तो बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया नाइट्रोजिनस बेस, और साइड में जो आ गया वो क्या आ गया, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट। अब यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो फॉस्फेट है और ये जो शुगर है वो ये वाली लेयर बनाएगी, समझ आ रही है कैसे बना रही है ये एक लेयर, ये फॉस्फेट होगा, इसके नीचे डीऑक्सीराइबोज होगा, उसके साथ जुड़ा होगा साइटोसिन, उसके साथ जुड़ा होगा ग्वानिन, और उसके साथ यहाँ पर दोबारा से डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ पर जो है वो एक तरीके का ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, समझ आ रही है बात। अब यहाँ पर इसकी पोलैरिटी की बात करते हैं कि पोलैरिटी क्या होती है, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के। जैसे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है किसके साथ, डीऑक्सीराइबोस के साथ, ये कौन सा एंड होगा, ये एंड होगा 5- एंड। क्यों होगा ये 5- एंड, क्योंकि जो फ्री फॉस्फेट है वो कौन से एंड पर जुड़ा हुआ है, 5- एंड पर, और जहां पर भी OH ग्रुप होगा वो होगा 3- एंड, क्योंकि थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री रहता है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जब जहां पर 3- है OH फ्री है तो इसका मतलब हो गया 3- एंड है वो,
और अगर 5' एंड है, 5' से फॉस्फेट जुड़ा है और वो फ्री है, तो वो कौन सा एंड है? 5' एंड है। तो पोलैरिटी कैसी होती है? 5', 3' और 3', 5'। समझ आई ये बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, वो जुड़ा हुआ है कौन सी कार्बन से? वो जुड़ा है 5' कार्बन से। तो ये वाले जो जो सेगमेंट का नाम होगा वो होगा 5', और ये वाला जो है OH ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है 3' कार्बन से, ये क्या होगा? 3' एंड। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका दूसरे वाला एंड क्या होगा? ये होगा 5' एंड, यहाँ पर फ्री होगा फॉस्फेट। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो दूसरे वाला एंड होगा, यहाँ पर OH जो है फ्री होगा, ये होगा 3' एंड। ये आ गई है आपको बात समझ में? यहां तक क्लियर होनी चाहिए कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर। उसके बाद जो है, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो प्यूरीन और पिरामिडीन होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। फिर उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है? फिर उसके बाद डीऑक्सीराइबो शुगर कैसी होती है? ये आपको समझ आ गया होगा, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ये आ गया। अब बात करते हैं साइंटिस्ट की। तीन चार साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। एक हो गया विल्किंस, रोजेलिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। एक हो गया वॉटसन, वॉटसन एंड क्रिक। ये तीन साइंटिस्ट याद रखना, और एक ईयर याद रखना, 1953। जो विल्किंस थे, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू जो मॉलिक्यूल है डीएनए का, उसके स्ट्रक्चर को पहचानने की कोशिश की है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है? कि एक्सरे को पास किया जाता है एक मॉलिक्यूल के थ्रू, डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू, और वो रिफ्लेक्शन जब करता है उसकी एक इमेज फॉर्म हो जाती है, वो बताता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ऐसा एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो यूज किया गया बाय दीज टू साइंटिस्ट, विल्किंस एंड रोजेलिन फ्रैंकलिन। जो रोजेलिन फ्रैंकलिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इमेज इन्होंने बनाई थी एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज करके, उसी को यूज किया वॉटसन एंड क्रिक ने, उसका स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बना है डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो इन्होंने दिया है। और इन्होंने क्या किया, इसी के स्ट्रक्चर को, इसी के एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर को यूज किया था अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर रोजेलिन फ्रैंकलिन का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने स्ट्रक्चर डिस्कवर किया 1953 में, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला, सॉरी, नोबेल प्राइज जो मिला इनको, एक तो इनको मिला दोनों को, और एक मिला विल्किंस को। ये जो है लेडी, ये पहले ही नोबेल प्राइज मिलने से पहले ही एक्सपायर कर गई। तो इनको ही सिर्फ जो है कंट्रीब्यूशन के लिए क्रेडिट दिया गया कि आप लोगों ने ही क्या किया है, डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की है। लेकिन जो रोजेलिन फ्रैंकलिन थी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस चीज में बहुत ज्यादा था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट के नाम। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने, वॉटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, वो कौन सा स्ट्रक्चर था? मेन मैं उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताती हूँ। उस वो स्ट्रक्चर था 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जो ये डिस्कवरी करने वाले थे, ये जो है BDNA भी इसको कहते हैं, BDNA। क्या होता है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक तरीके का हेलिक्स वो फॉर्म करता है। समझ आ रही है कि एक तरीके का हेलिक्स ऐसे फॉर्म हो जा रहा है डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो ये जो हेलिक्स होता है, इसमें मेजर और माइनर ग्रूव होते हैं, मेजर और माइनर ग्रूव, ग्रूव।
ये ग्रूव क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? यहाँ से प्रोटीन जुड़ती है डीएनए से आकर, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं डीएनए के ऊपर, रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उस दौरान पे प्रोटीन का जुड़ना जरूरी होता है डीएनए के साथ। तो ये जो मेजर और माइनर ग्रूव होते हैं ये हेल्प करते हैं कि प्रोटीन उनके साथ आकर अटैच हो जाए। समझ आई बात? अब देखते हैं कि जो बी डीएनए होता है ये फॉर्म होता है जब एक्सेस वाटर होता है, जब ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है तो ये तरीके का डीएनए फॉर्म होता है एक्सेस वाटर में। समझ आई बात? क्या होता है, इन्होंने क्या बताया? डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है। राइट हैंडेड हेलिक्स मतलब कि वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ रही है ये बात कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है राइट हैंडेड हेलिक्स, क्या होता है? ठीक, अब आती है बात कि जो ये जो डीएनए है, एक जो हेलिक्स बन रहा है, जैसे ये वाला एक हेलिक्स बन गया, ठीक, ये जो हेलिक्स बना है इसकी पूरी लेंथ इन्होंने बी डीएनए के हिसाब से क्या बताया? इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। ये टर्म्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं कि इसकी जो लेंथ होती है, एक हेलिक्स की लेंथ जो इन्होंने फाइंड आउट किया वो होता है 3.4 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं 10^-9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक, तो इतना छोटा स्ट्रक्चर ये होता है, तो ये जो 3.4 नैनोमीटर का एक हेलिक्स होता है। समझ आई बात? अब आती है बात, जो ये बेस पेयर बने हैं ना, ये टी ए के साथ, टी क्या है? टी क्या है? थाइमीन है। ए क्या है? एडिनीन है। तो थाइमीन और एडिनीन की जो बॉन्डिंग होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक, और थाइमीन और एडिनीन के बीच में जो बॉन्ड होती है वो डबल बॉन्ड होती है, इनके बीच में होती है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा कि जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ है, एक नीचे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक, उसके बाद आता है जो 360 डिग्री का जो एंगल यहां पर ये फॉर्म कर लेता है, उसके अंदर करीब करीब 10 बेस पेयर होते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बेस पेयर। एक 360 डिग्री जब ये रोटेट कर जाता है तब उसके अंदर ये होते हैं 10 बेस पेयर। समझ आई? अब इसका जो डायमीटर होता है इस हेलिक्स का, वो क्या होता है? 2 नैनोमीटर। ये तीन टर्म है ये आपको याद करनी ही पड़ेगी कि 3.4 नैनोमीटर एक हेलिक्स की लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस वो 0.3 नैनोमीटर होता है, और इसका जो हेलिक्स का डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर होता है। फाइन, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या चीजें क्लियर कराई हैं आज, वो देखते हैं। पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रोमोजोम होता है वो होता क्या है, क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोसोम के बाद एक तरीके का स्ट्रक्चर बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद जो है हिस्टोन प्रोटीन्स का रोल क्या होता है, कैसे हम पेरेंट से रिसेम्बल करते हैं, कैसे हम पेरेंट से डिफर भी करते हैं, ये सारी चीजें बताई। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि जो डीएनए है उसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। मिशर हो गया, लेविन हो गया, चरगफ हो गया, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड क्या होती है, कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। और एक और चीज, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो ये बैकबोन होता है ना डीएनए का, ये ऑब्वियस ही बात है ये किससे बना है? फॉस्फेट और शुगर से। और जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर होता है ये बना है नाइट्रोजिनस बेसिस से। और यहाँ पर जो बॉन्ड होती है इन दोनों के बीच में वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड होती है, बॉन्ड जिसको कहते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। समझ आई बात कि फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होती है यहां पर प्रेजेंट। और ये जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, थोड़ी वीक रहती है, इसी वजह से जो डीएनए है रेप्लिकेशन के टाइम पर इजिली अलग हो सकता है। और ये जो बॉन्ड होती है ये स्ट्रांग रहती है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है कोवेलेंट बॉन्ड रहती है, स्ट्रांग बॉन्ड रहती है। तो यहां तक समझ आया?
अब मैंने बात बताई कि जो वॉटसन और क्रिक है, उन्होंने रोजेलिन फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रेक्शन की पिक्चर को यूज किया अपने स्ट्रक्चर को लाने के लिए, और चरगफ रूल्स को भी उन्होंने यूज किया। उन्होंने क्या बताया, बी डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया जो डीएनए एक्सेस वाटर में फॉर्म होता है, ठीक। उसके बाद उन्होंने लेंथ बताई हेलिक्स की, डायमीटर कितना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये सारी चीजें कि उन्होंने बताई वॉटसन और क्रिक ने, और उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उनको क्या दिला गया, ये दिला गया नोबेल प्राइज 1962 में। प्राइज, समझ आई बात? तो ये सारा जो टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वाले टॉपिक में, और भी कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए ये इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगी ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।